हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यदि आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आप कैसे आईटीआर फाइलिंग करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, आप हमारे एक्सपर्ट से भी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी आईडी को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, आपकी आईडी बन जाएगी। बनने के बाद आपको यूज़र आईडी यानी कि पैन नंबर, ठीक है, पैन नंबर ही यूज़र आईडी होता है, और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो आपको डालकर लॉगिन कर लेना है। तो आप आ जाएंगे होम पेज पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। अदरवाइज़ यदि आपको यहाँ पर शो नहीं होता है, यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो आपको जाना है ई फाइल में, फिर जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईटीआर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे होम स्क्रीन पर ही आ रहा है फाइल नाउ का ऑप्शन, तो फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25, ठीक है। अब उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी और आप उसके थ्रू भी अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम इस पर टिक मार्क करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म। अब आईटीआर फॉर्म जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं हम इनकम के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लीजिए आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, ठीक है, तब तो आपको फाइल करना है आईटीआर वन, ठीक है। और यदि आपका रेंट आ रहा है एक प्रॉपर्टी से अधिक, ठीक है, एक से ज़्यादा चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, तब आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर टू, ठीक है। तो हम सिलेक्ट करेंगे आईटीआर वन, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। तो प्रोसीड विद आईटीआर वन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसका मतलब है यदि आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको केयरफुली रीड कर लेना है, यदि आपके केस में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अदर्स भी है यहाँ पर, तो हम सिलेक्ट करेंगे अदर्स। अब इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पहला शेड्यूल है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी भी है, ठीक है, गवर्नमेंट सैलरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों दिए हुए हैं, पीएसयू है तो पीएसयू आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप एक पेंशनर्स हैं तो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो हम इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सिर्फ हमारे केस में है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंट से इनकम है। अब उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन, यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो 139(1) में ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यदि आप बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन में टिक मार्क होकर आएगा। यदि आप अपनी आईटीआर को रिवर्स्ड कर रहे हैं तो थर्ड वाले में, ठीक है। फोर्थ भी इसमें दिया गया आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ डिले। अब उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए अंडर सेक्शन 115(BAC) जो कि होता है न्यू टैक्स रिजिम के लिए, ठीक है। तो आपको न्यू रिजिम में जाना है, ओल्ड रिजिम में जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर टिक मार्क कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, इसमें है बैंक डिटेल्स, ठीक है, कुछ नहीं करना, कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए ये सैलरी का यहाँ पर पार्ट है, ठीक है, तो सैलरी हमारे केस में नहीं है तो ये यहाँ पर हाइड होके आ रहा है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो पार्ट है ये भी हाइड होके आ रहा है। अब नीचे आएंगे, अब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपका रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से और यदि आपकी एक प्रॉपर्टी है,
ठीक है, हमारे केस में एक ही प्रॉपर्टी है, तो ऐड डिटेल्स पर या ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड इसका मतलब है आप प्रॉपर्टी को खुद यूज़ कर रहे हैं, लेट आउट यानी कि आपने रेंट पे दी हुई है, ठीक है, और इसमें डीम्ड लेट आउट भी दिया हुआ है। तो हमारी जो इनकम है वो है हाउस प्रॉपर्टी से, तो लेट आउट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ग्रोस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर हमें रेंट डालना है कितना रेंट है, ठीक है। अब जैसे हमारा रेंट है मान लीजिए 2,65,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, अब या तो आपने म्यूनसिपल टैक्स, ठीक है, या आपने हाउस टैक्स पे किया है तो यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्ड कैपिटल, यदि आपका इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल है तो आपको यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है, इसमें एरियर्स भी है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंट की इनकम है उसमें 30%, जैसे कि आप देख रहे होंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, जितना भी हमारा रेंट होगा उसका 30% इसमें से लेस हो जाएगा, चाहे हमारा रेंट कितना भी क्यों ना हो, जो भी अमाउंट होगी, जैसे 2,65,000 था, इसमें से हमारा 30% कितना बना, 79,500, ठीक है बच्चा, 1,85,500, ठीक है। अब उसके बाद ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें हमारी जो डिविडेंड इनकम है वो भी शो होके आ रही है, और हमारी एनी अदर इनकम है, ठीक है, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सेविंग से हमारा इंटरेस्ट है 15,478 रुपये, एफडी से भी हमारा इंटरेस्ट है 20,541 रुपये, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसमें एनी अदर भी है हमारी इनकम, वो है 2,70,000 रुपये, ठीक है, और ये हमारी एनी अदर इनकम, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमारा रेंट था हमने डाल दिया है, उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम थी 162 रुपये, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, सेविंग इंटरेस्ट था हमारा और इंटरेस्ट था एफडी पर, ठीक है, हमने डाल दिया है। अब टोटल हमारी इनकम कितनी होगी, 3,03,181 रुपये, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें है नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, अब एग्जाम्प्ट इनकम कौन कौन सी है इसमें, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू 5,000, यानी कि यदि आपकी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम से 5,000 या उससे कम तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यदि इससे ज़्यादा है तो फिर आपको RTR2 फाइल करना होगा। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, तो हमारे केस में नहीं है तो हम इसको कर देंगे कैंसिल। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन इस पर क्लिक करेंगे, तो हम गए थे न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो टैक्स पेड ये हमने ओपन किया है, इसमें जो हमारा TDS होता है, चाहे आपका कहीं से भी TDS डिडक्ट क्यों ना हुआ हो, वो यहाँ पर शो हो जाता है। यदि आपका TDS डिडक्ट हुआ है यानी कि कट हुआ है सैलरी इनकम से, तो यहाँ पर शो होगा, और सेकंड वाले में सैलरी
पर जो TDS कटा है उसको छोड़कर कहीं भी TDS आपका कटा है तो इसमें शो होगा। फिर उसके बाद इसमें TCS आपका कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो होगी, जैसे कि हमारी 50 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रही है। अब इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे सामने आ गए कंपटीशन ऑफ इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, 4,48,681 रुपये। डिडक्शन हमारी कुछ नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। टोटल इनकम कितनी होगी, सेम ही होगी यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर टैक्स कितना बना, 9,434 रुपये। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया किसमें, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। ठीक है, तो हमारा टैक्स कुछ भी नहीं बना। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से यहाँ पर हमारी शो हो रही है इनकम। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमारा रिफंड कितना हो गया, 50 रुपये। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ आपको टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब ये है हमारा ITR फॉर्म, इसको केयरफुली आप इसको रीड कर लें। रीड करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, आएंगे नीचे आने के बाद अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि आपके केस में होगी, ठीक है, आप ITR फाइलिंग करेंगे और एरर यहाँ पर शो होती है, तो पहले आपको वो ठीक करनी है, फिर उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद तीन ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। पहला है ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आप आधार OTP से, प्री वैलिड बैंक अकाउंट से, प्री वैलिड डीमेट अकाउंट से अपनी ITR को ई वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि इसका मतलब है आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन तक आपको अपनी ITR को ई वेरीफाई करना होगा, अदरवाइज ये हो जाएगी इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है कि आपने ITR फाइलिंग नहीं की है। तीसरा ऑप्शन है इसमें वेरीफाई वाई ITR वी, तो इसका मतलब है आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अपनी एक्नोलिजमेंट पर साइन करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, कहाँ पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आधार OTP से। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधार OTP से पहला ऑप्शन इसमें शो हो रहा है, दूसरा DSC, तीसरा है नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है पहला वाला, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, फिर जनरेट आधार OTP। तो जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, और वो OTP आपको डालकर सबमिट कर देना है, तो आपकी ITR फाइलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और दोस्तों यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।